शतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश। भगवान राम, उनके छोटे भैया लक्ष्मण पुष्प वाटिका से लौट आए, प्रभु गुरुवर को फूल दिए, शयन किया। जैसे ही सवेरा हुआ तो शतानंद जी आए। शतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। वही धनुष यज्ञ, वही सिया स्वयंवर, एक ही बात है। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंगभूम आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब देखते हैं, जितने रंगभूम में बैठे थे, जितने यज्ञशाला में पधारे थे राजा लोग और नर नारी गण, वो सब देखते हैं। और क्या देखते हैं कि सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वह दर्श पुनीता हुआ, ऐसा वह दर्श पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जो जिसने सोचा उसे वही देखने को मिला। प्रभु में नौ रस मिले, जो नौ रस होते हैं श्रृंगार हास करुण रौद्र वीर भयानक विभद अद्भुत शांत, ये नौ रस देखने को मिले। क्या क्या देखा? प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। बीभत्स लखा बीभत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने, करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास निहारा तो कवियों ने भी नौ रस देखा। पहुंचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। प्रभु पहुंचे, भगवान राम लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र इनके साथ पहुंचे और देखा चारों ओर। देखा ऊंचे नीचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी, उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर, शोभायमान था मंचों पर। और पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे,
ऊपर मुनियों का आसन था, उससे ही सटा हुआ सुंदर मणि जटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में, फिर महादेव के धनुआ पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। जहां धनुष रखा हुआ था, चारों तरफ राजा बैठे हुए थे, नर नारीगण बैठे थे, गांव के पुरवासी बैठे थे, और बीच में वो धनुष, ऊपर विशाल मुनियों का मंच था, नीचे सब राजा लोग विराजमान थे। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे, वीरों को जब बिलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। आगे थे गुरुवर गाधि सुमन, पीछे समूह था मुनियों का, मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। आगे विश्वामित्र जी, पीछे मुनि लोग चले जा रहे, और बीच में वो दोनों श्यामल गौर राजकिशोर जा रहे। दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर के इन्हीं की ओर निरखते थे, कि मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, मोहिनी डालने आए हैं। या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए, उत्तर में कहने लगे जनक प्रभु की ही ये प्रभुताई है। सब देख भाल कर मुनि बोले रंगशाला खूब सजाई है। विश्वामित्र जी बोले कि जनक जी, आपने भाई ये रंगशाला, ये धनुष यज्ञ की जो शाला है, बहुत अच्छी सजाई है ये। जनक जी ने सिर झुका दिया, सब आपकी ही प्रभुता है मालिक। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर नृप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के सुर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को, सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। उसी यज्ञशाला में धनुष भंग, जहाँ धनुष यज्ञ हो रही थी, वहीं पर जो है जनक जी ने आदेश दिया, और जनक जननी माँ सीता जी को बुलवाया, सहेलियाँ ले आई। रंग भूम आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। कोई उपमा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रंग भूम जब सिय पगधारी, रूप देख मोहे नर नारी, नर और नारी दोनों मोहित हो गए। माँ जगत जननी जानकी का स्वरूप देख करके, उनकी सुंदरता को लख करके, नर और नारी दोनों मोहित हो गए। देखें आप कितनी अचंभे वाली बात है।
आधुनिक नारियां पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं, झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। उपमा कवियों को ढूंढने से नहीं मिलती, तो हमारे राधे श्याम जी कह रहे हैं कि वो उपमा मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि आजकल की सामान्य नारियों को उपमाएं दे दे करके वो सब झूठी कर दी हैं उपमाएं। कोई उपमा नहीं बची जो जगत जननी जानकी के लिए दी जा सके। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयश लें कैसे, अपने सिर अपयश लें कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दें कैसे। अगर उनने सोचा कि स्वर्ग की देवियों की उपमा दी जाए तो कैसा लगेगा, देखिए आप क्या लिखते हैं कि स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है, रति के समान कैसे कह दें वह भी अनंग की दुल्हन है। और उपमा क्या दूं, बाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दें वह विषमदरा की भगिनी है। समुद्र से निकली है तो वो तो विष और मदरा की बहन है, उसकी उपमा लक्ष्मी की नहीं दे सकते। इसलिए लोक पर लोकों में श्री सीता जी लासानी है, अवतार महान शक्ति का है नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नख सिख लिखने में लज्जा है। हम नहीं लिख सकते, लिखते हैं कि हमें तो लाज लगती है क्योंकि माँ का श्रृंगार औलाद वर्णन नहीं कर सकती, हम तो उसके बेटा हैं, उस माँ का श्रृंगार हम क्या वर्णन कर सकते, हमें लाज लगती इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सोहनवल तन सुंदर सारी जगती जननी अतुलित छवि प्यारी। देखें आप पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, सुंदर जयमाला लिए हुए। चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीची कुछ किए हुए, पहले तो एक दृष्टि डाली
मझले निचले सब दर्जों पर। फिर दौड़ी बे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। पहले नीचे नीचे देखा, नीचे का दर्जा, बीच का दर्जा देखा, फिर ऊपर निगाह दौड़ाई, क्योंकि प्यासी थी आंखें किसकी। उस समय पास में रघुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई था है मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह है सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजान भुजाओं पर, फिर उन आजान भुजाओं पर। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहें पुकार पुकार। वीर जनों ने कहा, बंदी जनों ने, कि वीर जनो योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान। ओ कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। बंदी जन आए, बीच में आवाज लगाई कि सब वीरो महपालो भूप राजाओ तैयार हो जाओ, जो हमारे राजा जनक राज जी का जो प्रतिज्ञा है, जो ध्येय है, वो हम बताते हैं, उसे सुनो। क्या कहा बंदी जनों ने, कि ये महामहो सौ समारोह है, राजा के प्रण का परिचय है, राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज ने जो धनुष धरोहर पाया था। ये वही धनुष है, उस धनुष की गाथा बताते हैं कि दक्ष यज्ञ में जब महाराज दक्ष ने यज्ञ की थी, कौन, भगवान शंकर के ससुर महाराज दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था, तो सुरगणों के लिए यही धनुष महाराज शंकर ने उठाया था, भगवान शंकर ने उठाया था, और यही धनुष देवराज जी इंद्र ने ये धरोहर पाया था, ये गिरवी रखा हुआ, धरोहर रखा हुआ, थाती रखा हुआ पाया था। दस शीश सहस्त्र बाहु तक ने, सहस्त्रबाहु और दस शीश माने रावण, इन दोनों ने, दस शीश सहस्त्र बाहु तक ने तिल भरना जिसे सरकाया है, तिल भरना जिसे सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है।
और जो धनुष सीता जी ने यही धनुष उठाया, तो सब राजाओं सुनो, बंदीगणों ने पुकारा कि उस पर ही शर्त लगा नृप बर बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में, राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, धनवा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष ये तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। ये बंदीगण दिखाते हैं कि वो देख लीजिए जानकी जी बरमाला लिए हुए खड़ी हैं, और वो देख लीजिए शंकर जी का धनुष रखा है जिसे तोड़ना है। हे समय यही क्षत्रिय वीरो निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का, के है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, जिससे सीता का नाता हो। देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो, सिंहों के सन्मुख जय पाए ताकत ये कब स्यारों की है, ओ हिल मिलकर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। ये बिल्कुल चढ़ा दिया बंदी जनों ने, राजाओं की ताकत का स्मरण दिलाया, याद दिलाया कि तुम्हें बहुत ताकत है, वो आज जान की जानदारों की है, जिस पे लेते बने वो ले जा। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान, योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने जाते हैं, जब धनुष उठाने जाते हैं, तो रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं, बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। बड़े बड़े राजा आकर के जोर लगा रहे हैं। यहां तक लिखा है तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूप साहस दस एक ही बारा लगे उठावन करई नटारा, दस दस हजार राजा एक एक बार में जोड़ते हैं, एक एक बार जाते हैं और फिर भी उसे उठा नहीं पाते हैं। क्यों? झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे झोंके खाते थे, अचला चल दी थी चाप अचल चौदहों भुवन चकराते थे, हलचल थी दसों दिशाओं में जल थल कांपा योद्धाओं से,
पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजावों से, एक तिल नहीं खिसका पाए वो से। जो नृप हर साता आता है वह लौट लजाता जाता है, वह लौट लजाता जाता है। मानो बल हर कर वीरों का धनुआ गरवाता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूम बाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। जब सभी वीर और राजा वापस लौट गए, जनक जी को थोड़ा सा अफसोस हुआ, थोड़ा खेद हुआ, दुख भी हुआ, तो वो हाथ जमी पर मारा और उस क्रोध के वशीभूत होकर के जनक जी बोले कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल आता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। जनक जी को दुख हुआ कि इतने बड़े बड़े वीर, इतने बड़े बड़े महिपाल भूपाल मैंने बुलवाए और आप सब उस धनुष को तिल भर नहीं हिला हिला नहीं सके उस धनुष को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर पुरुष नहीं रहा। वो अगर मैं ऐसा पहले सोच लेता तो ये बेबसी ना करता, ये नादानी ना करता मैं। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है, तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। जनक जी बोले कि सब अपने घर जाओ, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मुझे लगता है कि जानकी का विवाह विधाता ने उसकी रेख में नहीं लिखा है, इसलिए तुम सब घर जाओ। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए, लज्जित नृपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। कि वीर भूम पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस।
लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। जनक जी ने जब कहा कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ये सुनकर सब राजा तो लज्जित हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर उस बात का विशेष प्रभाव पड़ा। क्या हुआ? चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरज बंसी रसिया उठा, ओ अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। बोला, था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुँह से यह निकल गया, मुझसे तो नहीं रहा जाता। बस इतना बोले के बस मुझसे नहीं रहा जाता, वो खड़े हो गए। लक्ष्मण बोले, इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ, सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। तो शीस नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सब मेरी बात को सुनो कि सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। और जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। लोगों ने कहा, भाई क्या कहा जनक जी ने, ऐसा क्यों गुस्सा हो रहे हो? बोले, वही तो बात है कि रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाणी कह डाली है, अनुचित बाणी कह डाली है। वो शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, हे बलवानों की पृथ्वी यह, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी यह। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। प्रभु राम से इशारा करके बोले कि हे प्रभु, आप भी मेरी बात सुन लीजिए, इन वचनों ने मुझे अधीर कर दिया है, मुझे बेचैन कर दिया है।
मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है, अपमान न मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। ये धनवा तो किस गिनती में, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। शेषावतार लक्ष्मण शेषनाग जी के अवतार थे। अगर क्रोध भर आया तो बोले, प्रभु बलो प्रताप आपका है, अभिमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये धनुष किस गिनती में, आप कह दें तो ये ब्रह्मांड उठा लूंगा। उठाकर फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। ये ब्रह्मांड, थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल उंगली में। लखन लाल बोले जभी बचन सकोप कराल, तो पृथ्वी थर भर हो गई, दहल उठे दिक्पाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, जानकी जी खुश हो गई कि अब हमें लगता कुछ बात बन गई, क्योंकि छोटे को तो गुस्सा आ गई है, अब बड़े को कब आती है धनुष के ऊपर गुस्सा। कि सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। राघवेंद्र सरकार, प्रभु राम वो भी खुश थे, प्रमुदित थे, लेकिन संकेत किया, इशारा कर दिया कि बैठ जाओ, ज्यादा हो गई, अब कुछ कम करो इसे। लक्ष्मण को बैठा ला। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। तो बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। बहुत सरल और सुंदर शब्दों में विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि अब राम उठो और वो तुम धनुष को पास जाओ, उसे भंजो, उसे तोड़ो, नहीं तो यहां कोई बलशाली नहीं है। क्यों? कि गुरु की आज्ञा पालन करके कैसे रखें मर्याद नहीं, कैसे रखें मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव, तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं।
कोई हर्ष विषाद नहीं, न दुख और न सुख, कोई खुशी नहीं कोई गम नहीं, ऐसा सोच करके और प्रभु राम चल दिए धनुष की तरफ। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुबीर कमल से खिलते हैं, और भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी कर बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले, और धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। धीरे धीरे चल दिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चल दिए। तो देख देख कर राम को चकित हुआ रनवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। उधर माँ जनक जननी, जनक नंदिनी की माँ, जानकी जी की माँ सुनैना, उन्हें थोड़ा जरा अच्छा सा ना लगा कि देखो तो बोली, अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सभी नृपति को कोई भी, कहती हैं सखियों से कि हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, इस समय नहीं समझाता है, ये बालक इस हठ योग कहां जो धनुष उठाने जाता है। सीता जी की माँ कहती हैं कि सखी देखो तो राजा को कोई नहीं समझाता, जनक जी को समझाओ कि ये लड़के ये सहठ योग नहीं, ये लड़का कहां चला जा रहा है धनुष उठाने के लिए। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, तो समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्था रगड़ चुके, बच्चे अब धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डालें, प्रणय अपना छोड़ योग बर से वैदेही की भांवर डालें। ऐसा कहा सुनैना ने, तो चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात, ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है, मत देखो वाल्या वस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। जगत जननी जानकी जी भी घबराती थी कि ऐसा ना हो कहीं कि ये धनुष उतने ही बजनी ना हो जाए तो वो उठा ना पाए, तो धनुष से कहती हूँ कि तो छोटा हो जा, थोड़ा हल्का हो जाए, जितना रघुवीर उठा लें उतना हल्का हो जाए। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, सब दिन की मेरी सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिए धनुआ की गरुता को।
महाजगत जननी जानकी धनुष से कहती हैं, देखिए पहले महादेव की विनती करी फिर धनुष से कहती हैं कि हे धनुष, भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना, मुझ चातकनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, और मुझ चकोरनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। प्रभु की तरफ देख करके कहती हैं, श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन मन के भावों को जान लिया, सीता किया कुलता बिलोक धनुआ को तकार सा कर कुछ, आगे को बढ़े शीघ्रता से दांतों में होंठ दबा कर कुछ। प्रभु राम, महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया शिव चाप, अभी तो उठाया है, अभी केवल उठाया और हाथ डालते डालते उठा लिया। अब देखा जिस समय उठाया धनुआ को, बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम, बदली सी कड़क उठी क्षण में, ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। और हुआ क्या, इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा, खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल, बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, जयकार किया जब जलसे में, तब वह जोशीला बाजा भी बज उठा खुशी के लहजे, मिथिला बासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जन लूटी हो, श्री हत सब नृपत हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो, मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था ही जन पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी होलसाई है। जनक जी भी खुश हो गए, उन्हें शांति मिल गई, रानी भी खुश हुई कि हाँ इन लड़कों ने तो धनुष तोड़ दिया है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सदृश प्रीत उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है, जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं,
त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, जो नहीं बखानी जाती है। मानव प्यासी चातकनी ने फिर वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। भगवान राम की तरफ जानकी जी चल दी, बरमाला हाथ में लिए, और मन में क्या सोचती थी कि जिस मन में था उत्साह पूर्ण उसमें लज्जा अब थी पिय की, उसमें लज्जा अब थी पिय की। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी, सखियों के साथ हाथ में वह विजयी बरमाल सुहाई थी। छबियों के मध्य सियाजी पर इस समय महा छवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो थाह न पाई थकित हुई, वरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मग्न हुआ तो काज कहाँ, मन मग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था जब लाग गई तो लाज कहाँ। बलिहार बहार निहार चुकी अब विजय हार पहना वो ना। एक सखी ने कहा कि अब देख लिया जितना देखना था, निहार लिया या फिर निहार लेना, अब तो अब जाने क्या क्या होगा, अब बरमाला तो पहनाओ। बलिहार बहार निहार चुकी अब विजय हार पहना वो ना। पूरा जोहार व्यवहार हुआ अब गले का हार बना वो ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर नहीं बिसारेंगे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा यह अचल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीत यह अटल रहे। सुनकर यह वाक सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, सीता को कुछ सुध बुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जय माला पिया को पहनाई। रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद। थोड़ी देर तो शांति रही लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ थे वहां मतवाले राजा, अब घमंडी अभिमानी थे। तो सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर,
उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक तमक उठे तत्काल। जहां तहां रंग भूमि में लगे बजावन गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। वो राजा जो अभिमानी थे, घमंडी थे, भाई एक और बैठे थे, और वो ललकारने लगे, अरे बोले बांध लो यार, बांधो सीता जी को भी बांध, अरे बोले दोनों लड़कों को बांध, इनको बांधो राम और लक्ष्मण को। तो कुछ जो अच्छे राजा थे वो कहते हैं कि दम है तो जाओ। बोले दम की बात थोड़ी है, केवल चिल्लाने की बात है। बोले तो चिल्लाओ, हम भी चिल्ला रहे हैं साथ में, चिल्लाने से क्या होगा। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर, खेलो अब अपने प्राणों पर। ओ कर दो लोहू से लाल भूम, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल कि गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। काय को ये ताली ठोक रहे हो, काय को ताल बजा रहे हो, दम है तुम में। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाकों घर जाओ जब सूर वीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी को अब बल लाते हो पेशानी, अब बल लाते पेशानी में। रखते हो शर्मसान कुछ भी डूबो चुल्लू भर पानी। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। जो वहां देखने वाले थे वो डर गए कि अरे ये राजा क्या कर रहे हैं, कहीं फिर से झगड़ा ना हो जाए। लेकिन नहीं हुआ कुछ नहीं। इतने में क्या हुआ कि सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए, मन में आनंद महान लिए। रघुबर गुरुवर की ओर चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए।